जैसे हिंदी में पहले आरोप लगते आए हैं कि अवार्ड बिकता है, तो यहाँ कैसे आप ये करेंगे कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं बिकता है? वो तो एक वो तो कहने की बात है ना सिर्फ, तो किसी ने आज तक देखा तो नहीं है ना किसी ने किसी को अवार्ड देते हुए, वैशाली के किसी को अवार्ड दिया। वो तो सारी कहानियाँ हैं क्योंकि अखबारों में छपती रहती है और मीडिया का भी होगा शायद, ये तो हमको नहीं पता। पर यहाँ वैसे कोई लोग नहीं है जो बेचेंगे, उनको कोई फ़ायदा नहीं है बेच करके, उनका कोई पर्सनल गेन नहीं है बेच करके। तो यहाँ और ये जो फेस्टिवल्स होते हैं इसके अंदर खास करके ऐसी कोई बातचीत होती नहीं, कभी होती होगी शायद बड़े बड़े अवार्ड्स के अंदर इंटरनेशनल, उसके बारे में नहीं कह सकते, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं हो सकती क्योंकि ये तो खुद अपनी मेहनत अपनी एफर्ट्स अपने लोगों को जमा करके सिनेमा को, जैसे उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के पास और वो लोग जो नहीं उन तक पहुँचा रहे, खुद का टाइम खुद के रुपए लगा करके खुद के पैसे खर्च करके, वो कौन करता है आजकल? तो ये किसी अपेक्षा से थोड़ी कर रहे हैं कि इनको भी मिले, ये तो देने की अपेक्षा से कर रहे हैं। अंबरनाथ म्हणजे स्थानिक जे आमचे कलाकार आहेत ते आतापर्यंत या इंडस्ट्री बरोबर या चित्रपट सृष्टीबरोबर काम करत आहेत, तर नक्कीच त्यांचं तिथे प्रमोशन होणार आहे, त्यांचे संपर्क वाढणार त्यांचा। सवाल के जवाब मैं ऑलरेडी फायदा हो गया ना, अंबरनाथ यहाँ पहुँच गया ना, आप आप चर्चा में आ गए, अंबरनाथ कहाँ है क्या है फेस्टिवल कहाँ हो रहा है वो तो ऑलरेडी हो गया ना, वो तो देखिए प्रोजेक्ट हुआ है। आप लोग मुळात सुनील सरांचं जे पहिला आमचं उद्दिष्ट होतं पहिल्या पायापासून की अंबरनाथ मधले जे कलाकार आहेत किंवा अंबरामध्ये जे आज नावारूपाला कलाकार, जे ऍक्च्युली अंबरामध्ये लोकांनाही माहीत नाही आहे ती मंडळी, ती मंडळी पण लोकांच्या समोर यायला पाहिजे, हा त्याच्या मागे एक उद्दिष्ट त्यांनी ठेवला होता। आणि मग ह्या सगळ्यांना एकत्र करूनच त्यांनी हा चित्रपट महोत्सव करायचा ठरवला। अंबरनाथ फिल्म फेस्टिवल का आने वाले वर्षों में क्या योजना बना रखी गई है? अंबरनाथ मध्ये आतापर्यंत संगीतकार कुठेच नाही, तर आम्ही या चित्रपट महोत्सवाद्वारे अंबरनाथ मध्ये बाहेरून जे ज्यांच्याकडे आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असे कलाकार आहेत त्यांना आम्ही प्रशिक्षण शिबिर आम्ही इथे अंबरनाथ सुरू केलं होतं, नाट्य प्रशिक्षण चित्रपट प्रशिक्षण असं आम्ही मैसूरमदार महेंद्र यांच्या सहकार्याने आम्ही सुरू केलं। अंबरनाथ फिल्म फेस्टिवल की पारदर्शिता कायम रखने के लिए कौन सी योजना बनाई गई? अंबरनाथ ही जी अंबर भरारी संस्था आहे यामध्ये कोणी राजकीय क्षेत्रातून याच्यामध्ये नाही आहे, सर्व स्वतःच्या आर्थिक खर्च करून यात काम करतात आणि सर्व विविध क्षेत्रातील लोक याच्यात काम करतात, त्यामुळे नक्कीच पारदर्शी असं असणार। थँक्यू। सर मराठी स्टार कास्ट की बात करते हैं तो नाना पाटेकर है, तो ये लोग क्या आपको ये लोग से मिलने की कुछ बात